अलकुम फ्रेंड्स वेलकम टू सैम्स लाउंज क्या हाल है आप सब लोगों का आई होप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे एंड थैंक यू सो मच आप लोगों का मेरी वीडियोस को लाइक करने के लिए और जब आप उस पर कोई भी कमेंट करते हैं अच्छा कमेंट होता है ना तो बस मेरी जो एनर्जी है ना वो यहाँ से यहाँ चली जाती है और दिल करता है उससे भी अच्छी वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूँ तो आज की वीडियो भी बहुत ज़बरदस्त है अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ ऑल दो मेरी जितनी भी वीडियोज़ हैं उसमें मैं आप लोगों के साथ अपना ही किया हुआ एक्सपेरिमेंट एक्सपीरियंस और सारी की सारी चीज़ें जो है वो शेयर कर रही होती हूँ चाहे वो रेमेडीज हो चाहे शॉपिंग हो कुछ भी हो तो आज भी मैंने कुछ बाय किया और क्योंकि एज अ फीमेल बहुत सारी फ़ीमेल्स को ज्वेलरी बहुत अच्छी लगती है चाहे वो आपके एथनिक ड्रेसिस uh, के लिए हो या आपके कैजुअल वियर्स के लिए हो वेडिंग पे पहनना हो या फिर नॉर्मल डे टू डे कोई भी एक्सेसरीज आपको चाहिए तो आप ज़रूर कंसिडर uh, करिएगा मैंने भी इंस्टाग्राम पे बहुत सारे पेजेस को विज़िट किया तो मुझे पास जो ए, मतलब मैंने प्राइसेस को कंपेयर करना शुरू कर दिया कि एक एक, एक अगर मुझे एयर एक जगह पे नज़र आ रहा है तो मैंने जब रिकमेंडेशन मेरे पास एक पेज ऐसा भी आया जिसपे जिसका रिव्यू मैं आप आज देने लगी हूं कि उसके ऊपर मुझे प्राइसेस कंपैरेटिवली उस पेज से कम लगी जबकि प्रोडक्ट दोनों ने सेम ही लगाया हुआ था ठीक है तो अगर आप बाय करना चाहो तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरे पास जो तो पैकेज रिसीव हुआ मैंने तीन से चार ईयर किए थे और एक दो और चीजें थी वो तो मैं भी आपके साथ शेयर करती हूँ तो उनकी प्राइसेज भी मैं आपको बताऊंगी टोटल भी बताऊंगी कि मुझे ये पैकेज कितने का पड़ा और क्वालिटी कैसी है वो तो आप यहाँ पे चेक कर ही लोगे ठीक है तो अभी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ अपना एक्सपीरियंस अगर आप बाय करना चाहें अपने लिए या आप किसी को गिफ्ट देना चाहते हैं या कोई भी फंक्शन आने वाला है या कैजुअल भी डे टू डे भी उनके पास बहुत सारी वैरायटी थी एक्सेसरीज इंक्लूडिंग एक्सेसरीज और बेल्स और मेंस और की जो एयर आजकल बहुत सारे रिंग्स बहुत प्यारे प्यारे से आए हुए हैं ब्रेसलेट्स बहुत अच्छे अच्छे से आए हुए हैं बेल्टस बहुत अच्छी वेराइटी है ठीक है तो आप जरूर चेकआउट कर लीजिएगा उनकी वेबसाइट पे तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं कि मैंने जो मंगवाया उसकी क्वालिटी कैसी है उसके प्राइसेस क्या है रिसीव हुआ तो कितना अच्छा लग रहा है तो स्टार्ट करते हैं जनाब आज की वीडियो प्रॉपरली जी तो इस तरह का कुछ बॉक्स है और ये है जनाब टीजे होलसेल के नेम से जो वेबसाइट है इनकी आप इंस्टाग्राम पे सर्च करेंगे तो बड़ा इजीली आपको मिल भी जाएगा अब इसे खोल लेते हैं और ये कुछ ऐसा सा बॉक्स है कुछ पेपर बॉक्स टाइप सा है ओके ओके है सो सो क्योंकि इससे अच्छी पैकिंग करके आई थिंक भेजा जा सकता है जैसे आजकल तो बहुत ज़्यादा ब्रांड्स जो हैं अपने पैकिंग पे और डिस्पैच पे ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते बहुत अच्छी सी चीज़ आपको प्रेजेंट करके देते हैं बबल रैप में जी सारी चीज़ें सारी प्रोडक्ट्स जो हैं जो ज्वेलरी है वो रैप हुआ हुआ था और फिर उसके बाद ये टीजे वालों का मैं आपको मार्क दिखा रही हूँ फिर फोर थाउजेंड एंड वन हंड्रेड Uh, की ये टोटल ज्वेलरी जो बनी थी अदर देन डिलीवरी चार्जेस आई थिंक सो टू हंड्रेड के करीब डिलीवरी चार्जेस थे और वो उनके शायद फ़िक्स हैं उस पर ये नहीं है कि आपने कितनी परचेजिंग करनी है अब मैं आपको वन बाय वन सारे के सारे दिखाती हूँ एयरिंग्स अच्छा ये सबसे पहला वाला जो है ना ये पर्पल कलर में है आ, मुझे क्योंकि तो बहुत अच्छा लगता है पर्पल कलर और नॉर्मली होता भी ये है कि ये पिंक एंड पर्पल से अच्छे लगते हैं एयर पहनने में कोई भी मैचिंग आपका ड्रेस है मूव कलर का हो तो भी अच्छा लगता है डार्क पर्पल के साथ भी ये चल जाएगा और ये कैजुअल में भी चल सकता था तो इसलिए मुझे अच्छा लगा कि ये ज़रा बंदा ईज़ीली पहन सकता है ना अच्छा फिर आ जाते हैं ये थोड़ा सा फैंसी है पर्ल एंड गोल्डन का कॉम्बिनेशन है अच्छा मैं आपको पहले पर्पल की प्राइस बता दूं वो टू फिफ्टी या टू सिक्सटी का आई थिंक जो पर्पल वन है ठीक है अभी जो मैं आपको पर्ल एंड वाइट में दिखा रही हूँ उसकी क्वालिटी अच्छी थी पर्ल जो है बड़े नाइसली और बड़े शाइनी से थे कोई डैमेज नहीं था और ये तकरीबन फोर की करीब थे जो पर्ल्स वाला सेट था फिर आ जाते हैं ये जो ब्रेसलेट है ये कोई 500 के नियर अबाउट था और ये मुझे बहुत अच्छा लगा था स्पेशली इसकी जो डिटेलिंग थी ना फ्रंट पे वो मुझे बहुत अच्छी लग रही थी बड़ी पहने हुई एक अच्छी सी एलिगेंट सी लुक आती है और ये मैं जैसे आपको खोल के दिखा रही हूँ बिल्कुल ऐसे ही है बाज़ू में बड़े आराम से फिक्स हो जाता है मैंने ऑलरेडी एक पहना हुआ था इसलिए मैंने अभी पहना नहीं था वैसे ये है कि बहुत खूबसूरत लग रहा था क्वालिटी बहुत अच्छी लग रही थी इसकी ना तो ये तो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगा सारा जितना भी मैंने पैकेज ऑर्डर किया उसमें सबसे अच्छा जो मुझे लगा वो यही वाला लगा फिर ये ब्लैक ग्रे एंड गोल्ड से इसकी आउटलाइन हुई भी थी बट ग्रे एंड ब्लैक की वजह से ये बहुत ज़्यादा एलिगेंट लग रहा था बड़ा प्यारा सा लग रहा था कोई भी आपका ऐसा ब्लैक ड्रेस है साड़ी है तो आप बड़े आराम से किसी भी फंक्शन में ये वाला पेयर जो है पहन के जा सकते हो बड़ा खूबसूरत बहुत, बहुत बहुत नीट बना हुआ था ये मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगा ये और आ, जो मैंने आपको ब्रेस्टेट दिखाया नेक्स्ट वन जी ये बड़ा हिट आर्टिकल है जो भी ज्वेलरी की वेबसाइट खोले ना उसके ऊपर ये ही सब सब तरफ सामने नजर आता है तो मैंने मुझे अच्छा लगा कि मैंने असल में बेसिकली सारे कलर्स कवर करने की कोशिश की तो ये ग्रीन में मैंने पर्ल में लिया इसमें डिफरेंट कलर्स थे आई थिंक पिंक वन भी था रेड भी था तो मैंने ग्रीन सेलेक्ट किया था क्योंकि मुझे ये थोड़ा सा चेंज मैंने कहा चले सारे कलर्स हो जाएंगे ज्वेलरी के और फिर उसके बाद लास्टली अच्छा ये जो ब्लैक वाला था इसके फाइव का ज, थे इसकी प्राइस जो थी वो फाइव थी और जो मैंने आपको ग्रीन दिखाया है ये कोई ऑलमोस्ट मेरे जहाँ तक ख्याल है फ़ाइव हंड्रेड ही थे फोर नाइन्टी नाइन का था वो मेरे ख्याल से मुझे एक्जैक्टली exactly आप वेबसाइट पे चेक कर लीजिएगा अच्छा फिर उसके बाद मैंने आपको एक हेयर पिन दिखाई वो हंड्रेड रुपीज़ की थी और वो ज़्यादा कॉस्टली नहीं थी और ये मुझे बहुत अच्छे लगा था वहाँ पर और ये मैंने बहुत सारी वेबसाइट्स पर इंस्टाग्राम के डिफ़रेंट पेजेस पे चेक किया था ये बहुत अच्छा लग रहा था कलर मैंने खुद से ब्लू चूज़ किया था बिकॉज वो ग्रीन भी हो गया ब्लैक भी हो गया पर्ल एंड पर्पल भी हो गया तो मैंने ब्लू वन लेना लेकिन बट अनफॉर्चुनेटली इसमें ब्लू पर्ल था ना वो डैमेज था मींस के वो उतरा हुआ था अब यही हो सकता है कि रिटर्न तो मुझे नहीं करूँगी मैं इसके ऊपर कोई भी ग्लू लगा के इसको पेस्ट कर लूँगी बट ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद था और वही वाला जो है ना वो पेयर वो ठीक से नहीं निकला अचानक कोई बात नहीं नेक्स्ट हम चलते हैं आ, मैंने एक माला ऑर्डर किया था ये पर्ल में है और ये बहुत खूबसूरत लग रही थी सो so, अच्छा इससे पहले मैं आपको बता दूँ जो ब्लू वन वाला एयर थे वो थ्री फिफ्टी के थे और ये पर्ल जो माला है ये मुझे बहुत अच्छी लगी ये पहना हुआ भी बहुत प्यारा लगता है कोई भी प्लेन ड्रेस हो तो उसके ऊपर ये माला आप पहने और बहुत बहुत अच्छी लगती है और जो माला की प्राइस थी वो आई थिंक सो फोर हंड्रेड के इक्वल ही थी वो भी ठीक है फिर मैंने एक रिंग ऑर्डर किया था रिंग्स मेरे पास ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हैं क्योंकि मैं पहनती नहीं हूँ सो so, इसलिए मैंने बस कुछ लाइट्स ही ऑर्डर की तो ये आई थिंक सो थ्री हंड्रेड या टू फिफ्टी से थ्री हंड्रेड की रेंज में थी और मुझे सिल्वर कलर की इयर या रिंग्स वैसे भी बहुत पसंद हैं तो रिंग्स मैं प्रेफ़र करती हूँ कि या सिंपल गोल्ड में हो या सिंपल सिल्वर में हो तो बस रिंग्स मैंने ज़्यादा ऑर्डर नहीं की हुई थी क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास काफ़ी सारी पड़ी हैं फिर तो किसी दिन आपको अपनी बाकी की कलेक्शन भी दिखाऊंगी तो so, यहाँ पर एक क्लास की मैंने बेल्ट ऑर्डर किया था बेल्ट बहुत प्यारा लग रहा था आजकल वैसे भी ट्रेंड बहुत ज़्यादा है बेल्ट का कोई भी आप इवन आप जैसे विंटर आ रहा है ना तो आप वेलवेट का ड्रेस के साथ बेल्ट वियर करो तो बहुत प्यारा लगता है ठीक है ये मैं आपको दिखा रही हूँ इसकी आ, अच्छी खासी है इसकी वर्थ और फिर उसके बाद इसका लॉक भी बड़ा ज़बरदस्त था नीट सा था एडजस्ट हो जाता था बड़े आसानी से तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी ये कोई सिक्स हंड्रेड के इक्वलेंट थी इसकी प्राइस और बहुत अच्छी सारी ज्वेलरी अच्छी थी बस एक वो थोड़ा सा डैमेज पीस निकला बाकी तो सब अच्छा लग रहा था ये देखिए मैंने पहन के भी आपको दिखा दिया कि इसकी लुक कितनी अच्छी आ रही है ब्लैक एंड गोल्ड का कॉम्बिनेशन बहुत ही प्यारा बहुत अच्छा लग रहा था सो जनाब आई होप कि आप लोगों को मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी अच्छी लगे तो ज़रूर बताइएगा और ये देखिए मैंने पहना भी हुआ है Uh, पर्ल्स के जो नेकलेस मंगवाया था ये बहुत अच्छा लगता है स्पेशली प्लेन सूट अगर आपकी शर्ट प्लेन है तो आप ज़रूर वियर करें बड़ी एलिगेंट सी बड़ी मज़े की एक लुक आती है फिर तो उसके बाद जो मैंने जितनी भी ज्वेलरी मैंने मंगवाई वो मैंने आपके साथ शेयर की मुझे ये बहुत अच्छा लगा uh, आप भी बताइएगा कि आपको इन सब ज्वेलरी में से क्या अच्छा लगा बस एक थोड़ा सा डैमेज है बट कोई बात नहीं कभी कभी हो जाता है ऐसा भी सो so, इनकी प्राइस जो है वो डिफ़रेंट है ऑलमोस्ट ये मुझे मैं आपको बता देती हूँ कि ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो मुझे ये ऑलमोस्ट सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो मुझे फोर थाउजेंड के वन हंड्रेड रुपीज़ में पड़ी और मेरे ख्याल से कोई डिलीवरी चार्जेस थे थोड़े से उनके टू uh, हंड्रेड थे या वन हंड्रेड समथिंग सो मतलब टोटल ओवरऑल ये फोर्टी टू हंड्रेड में आप ये कह सकते हैं कि मुझे इतनी सारी चीज़ें मिली हैं ठीक है थीके? और हर जो पेयर है उसके प्राइस जो हैं वो थ्री थ्री हंड्रेड से ले कर फोर हंड्रेड की रेंज में थे ठीक है बेल्ट जो है वो आई थिंक सिक्स फिफ्टी का था या सेवन हंड्रेड का था और uh, उसके अलावा ये फोर फिफ्टी टू फाइव हंड्रेड है मीनस के जितने भी आइटम्स हैं ना ये सेवन एट आइटम्स हैं ये आपको ऑलमोस्ट एवरेज निकालें तो फोर हंड्रेड से ले कर फोर फिफ्टी की रेंज में आपको मिल जाएंगे ठीक है तो आई थिंक कि अफोर्डेबल है और ठीक है अगर आपका अच्छा एक कलेक्शन बन जाती है ज्वेलरी की इतनी प्राइसेस में तो आपको जरूर बाय कर लेने चाहिए तो बताइएगा जरूर कि आपको इनमें से कौन सा पेयर अच्छा लगा कौन सी चीज़ अच्छी लगी अगर आप ऑर्डर करें तो क्या ऑर्डर करेंगे इन सब में से और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा मुझे मेरी फैमिली को अपनी दुआ में याद रखिएगा वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज